नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मुक्ता होम साइंस क्लासेस। आज हम कुछ मॉक सॉल्व कर लेते हैं। इसमें 33 नंबर पे देखते हैं, मैच मिलान करना है, सारण निर्माण। इसमें अलग अलग दिया है, क्लेविल, टेविरॉन, कुरालोल, फिनाइल क्लोराइड, सोने वाले वस्त्र। उसी तरह सारण निर्माण का मैच कराना है, व्यापार नाम प्रयुक्त, यूएसए में व्यापार नाम, कॉर्डेलन जापान निर्मित। तो इस तरह से इसमें मैच करना है कि इसमें से कौन सा सही है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन सा सही है। इसमें ऑप्शन ए यानी सारण निर्माण है वो हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। सारण का निर्माण विनाइल क्लोराइड से। व्यापार नाम प्रयुक्त होता है किसी, क्लेविल, टेविरॉन। यूएसए में व्यापार नाम कुरालोन और कॉर्डेलन जापान निर्मित है, सोने वाले वस्त्र। अब नेक्स्ट है, पुरुष सिलाई परिधानों के संदर्भ में क्या सही है। पुरुष सिलाई परिधान के संदर्भ में ऑप्शन दिए हुए हैं, वस्त्र का बटन लाइन और अग्र किनारे के स्थान को बटन स्टैंड कहते हैं, जैकेट या कोट के सामने के भाग को फेरे पैंट कहते हैं, शरीर के चारों ओर का माप जेंथ कहलाता है, फीट कोट से पूरे बदन के माप का पता चलता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। इसमें एक दो तीन तीनों हो जाएंगे, यानी वस्त्र का बटन लाइन और अग्र किनारे के स्थान को बटन स्टैंड कहते हैं, जैकेट या कोट के सामने के भाग को फेरेपेंट कहते हैं, जैकेट के या कोट के सामने वाले भाग को फेरेपेंट कहते हैं, शरीर के चारों ओर का माप जेंथ कहलाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। फिर नेक्स्ट है, गंदगी का इमल्सिफिकेशन का क्या तात्पर्य है। गंदगी का इमल्सिफिकेशन का क्या तात्पर्य, इस तरह से ऑप्शन दिए हुए हैं, साबुन पर पानी की क्रिया, साबुन के अल्कली एल्कोलाइन घोल मिलते हैं, ग्रीस के कण वस्त्र से पानी में प्रवेश कर जाते हैं, पानी का छोड़ना या निकालना। तो इमल्सिफिकेशन का क्या तात्पर्य है गंदगी के, तो उस तरह से देखा जाए तो तीन चारों ऑप्शन सही रहेंगे, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें रहेगा पानी की क्रिया होगी, साबुन के अल्कली एल्कलॉइड घोल मिलते हैं, ग्रीस के कण वस्त्र से पानी में प्रवेश कर जाते हैं, पानी को छोड़ना या निकालना। नेक्स्ट आता है, सूती व लिनन वस्त्रों को इस्त्री करने की प्रविधि क्या है। उच्च ताप के साथ नमी युक्त कपड़े, वस्त्र के बाहरी भाग से में इस्त्री, कॉलर व जोड़ों पर इस्त्री प्रारंभ में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी, चारों रहेंगे। सूती व लिनन वस्त्रों को प्रेस करने की प्रविधि टेक्निक क्या है, उसमें उच्च ताप के साथ करेंगे, नमी युक्त कपड़े, वस्त्र के बाहरी भाग में इस्त्री होगी, कॉलर या जोड़ों पर इस्त्री प्रारंभ में करेंगे। अब नेक्स्ट आता है, शुष्क धुलाई में प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ हैं। शुष्क धुलाई में प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ कौन से हैं, फ्रेंचॉक, फ्यूलर अर्थ, टेलकम व सल्फर पाउडर, पेट्रोल बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, व्यावसायिक रूप में शुष्क धुलाई पाउडर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसका रहेगा ए, चारों। नेक्स्ट है, इसको भी मैच करना है, प्राचीन समय में वस्त्र किसके द्वारा, ये इस तरह से मैच करना है, प्राचीन समय में वस्त्र कंपनी के प्रारंभ व भारी संख्या में उत्पादन, कताई बुनाई हाथ के द्वारा, घास की आवश्यकता, सूत के को धागों में आसानी से परिवर्तित। इस तरह से ऑप्शन में मैच करना है, तो कौन सा सही है वो देख लीजिए। इसका 38 का आंसर रहेगा ए। पहला है, प्राचीन समय में वस्त्र घास की आवश्यकता होती थी, प्राचीन समय में वस्त्र जो है उसमें घास की आवश्यकता होती थी, फ्लैस्क व ऊन के रूप में प्रयोग
प्रथम रेशा कौन सा था? फ्लैस्क व ऊन के रूप में प्रयोग प्रथम रेशा सूत, सूत को धागे में आसानी से परिवर्तित कर देता था। नेक्स्ट है प्राचीन काल से लेकर 18वीं सदी के मध्य तक कताई बुनाई हाथ के द्वारा किया जाता था। फिर है औद्योगिक क्रांति, कंपनी का प्रारंभ हुआ भारी संख्या में उत्पादन। अब नेक्स्ट है इसको भी मैच करना है, स्लिम बॉल पॉइंट उसको मैच करना है, मध्य बॉल पॉइंट, कट पॉइंट, निडल क्रॉस या ट्विल ट्विस्ट पॉइंट। तो इसको किस में चेंज मिलान करना है? कट पॉइंट प्रविधि के प्रकार, बुना हुआ कसा हुआ धागा, बुना हुआ मध्यम धागा, चर्म कार्य हेतु प्रयुक्त। तो इस तरह से देखते हैं तो इसका आंसर रहेगा ए, स्लिम बॉल पॉइंट का रहेगा, बुना हुआ कसा हुआ धागा, स्लिम बॉल पॉइंट। मध्य बॉल पॉइंट रहेगा बुना हुआ मध्यम धागा। फिर आ जाएगा कट पॉइंट नीडल, इसका रहेगा चर्म कार्य हेतु। फिर रहेगा क्रॉस या ट्विस्ट पॉइंट, कट पॉइंट प्रविधि के प्रकार है ये, क्रॉस एंड ट्विस्ट पॉइंट। नेक्स्ट है इसका दिया है ये शुष्क धुलाई के संदर्भ में कि ए को क्या कहा गया है, बी पी को क्या कहा गया है इस तरह से। तो शुष्क धुलाई के संदर्भ में ए सभी सामान्य घोलक बिना अवरोध के प्रयोग किए जाते हैं, पी सामान्य धुलाई के लिए सामान्य घोलक, एफ फ्लूरो हाइड्रोकार्बन, एफ संवेदनशील आलेख। तो इनमें से कौन सा सही है ये देखना है कि हाँ वो उसी से मैच हो रहा है। तो देखते हैं इसका आंसर रहेगा सी, यानी चारों सही हैं, यानी ए सभी सामान्य घोलक बिना अवरोध के प्रयोग किए जाते हैं, पी सामान्य धुलाई के लिए सामान्य घोलक है, एफ फ्लूरो हाइड्रोकार्बन, एफ संवेदनशील आलेख। नेक्स्ट है मैच में ही पेप्सिन यकृत निष्कृत प्रोटोलाइज्ड गॉल ब्लडर की बीमारी में तीव्र कोलेस्टिट एपिग्रास्टिम्स में अत्यधिक दर्द। तो इसको बीमारियों एवं दवाइयों या दिन से मैच कराना है कि आराम दवाएं व तरल आहार किस में दिया जाता है, कौन सा है, और गॉल ब्लैडर की बीमारी दिन में, फिर है दिन में 5 बार व द्वितीय अवस्था में बच्चों में लिवर सिरोसिस, तीक्ष्ण व क्रॉनिक पैनक्रियास्टिक। तो इसमें कौन सा रहेगा? इसका आंसर है ए, पेप्सिन यकृत निष्कृत दिन में 5 बार व द्वितीय अवस्था में बच्चों में लिवर सिरोसिस होता है। नेक्स्ट है गॉल ब्लैडर की बीमारी में तीव्र कोलेसिस्टिक, इसमें क्या रहेगा? तीक्ष्ण व क्रॉनिक पैनक्रियासिस्टिस। फिर है तीव्र कोलेसिटिस, आराम दवाएं एवं तरल आहार देना है। फिर एपिगैस्ट्रियम में अत्यधिक दर्द है तो गॉल ब्लैडर की बीमारी है। फिर नेक्स्ट है मैच, मुलायम दही उत्पादन में प्रोटीन का प्रयोग टॉडलर इन्फेंट अल्पवयस्कता फीट्स की संख्या, इनको इसमें मैच कराना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, इसका भी है ए, मुलायम दही उत्पादन में प्रोटीन का प्रयोग व्यावसायिक दुग्ध प्रवृत्ति यानी दुग्ध टेक्निक के लिए, मिल्क टेक्निक के लिए प्रयोग किया जाता है व्यावसायिक में, मुलायम दही उत्पादन में प्रोटीन का प्रयोग। फिर आता है टॉडलर, टॉडलर रहेगा सामान्य पारिवारिक भोजन बनाने में समर्थ है। इन्फेंट अल्पवयस्कता 10 से 12 महीने में जन्म के वजन का 3 गुना, फीट्स की संख्या 6 महीने में अल्पवयस्कता। नेक्स्ट आता है आटा, ब्रेड, मैक्रोनी, चावल
इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं उनसे मैच कराना है। जैसे आटा है, अब इसको पहले आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर कौन सा है ए। अब मिलान करते हैं, आटे का इसमें 45 राइबोफ्लेविन होता है। ब्रेड, ब्रेड में रहेगा खनिज व विटामिन के साथ 45। मैक्रोनी, थायमिन कैल्शियम का प्रयोग फोर्टिफिकेशन। चावल विटामिन बी व डी होता है। अब नेक्स्ट है खनिज लवण व विटामिन वसा बी कॉम्प्लेक्स भोजन को बांटना, तो ये किसमें मैच होगा ये देखते हैं। इसका आंसर रहेगा ए, खनिज लवण व विटामिन रक्षात्मक व नियंत्रात्मक आहार है। मिनरल्स एंड विटामिन जिसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ये रक्षात्मक व नियंत्रात्मक आहार है। वसा, वसा इंसुलेशन है। बी कॉम्प्लेक्स, कम संख्या में विटामिन B12 की उपलब्ध। फिर आएगा भोजन को बांटना, दोस्ताना को स्वीकार्य टोकन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, सोयाबीन के किण्वीकरण से कौन से खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। सोयाबीन के किण्वीकरण से कौन से खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, इसका आंसर रहेगा ए, लैक्टिक सोयाबीन दही, सोयाबीन चीज, सोया सॉस, इडली डोसा आदि। नेक्स्ट आता है डिहाइड्रो फ्रीजिंग विधि, व्यावसायिक रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं किनमें। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इसका रहेगा ढाबे में। सूप व पेस्ट्री के निर्माता, डिहाइड्रो फ्रीजिंग बनाने भोजन के लाभ हैं। डिहाइड्रो फ्रीजिंग भोजन के लाभ हैं, इसका आंसर रहेगा ए, यानी चारों। कमतर वजन, कमतर बुल, पैक फ्रीज व रखने में आसान, जहाज परिवहन में आसान। नेक्स्ट देख लेते हैं, चीनी, तेल व वसा, आईसीएमआर सलाह, कोलेस्ट्रॉल रखना, तो इसको इसमें चेंज करना है, इसमें मैच कराना है, तो इसका आंसर रहेगा 48 का ए, चीनी ऊर्जा स्रोत तेजी से उपलब्ध, तेल व वसा जंतु वसा है, एनिमल फैट है, आईसीएमआर सलाह वसादार रेसा कुल कैलोरी का 20% या कम, कोलेस्ट्रॉल रखना, इसका रहेगा संतृप्त वसा, संतृप्त ऊर्जा स्रोत, सेचुरेटेड एनर्जी सोर्सेस। फिर आता है स्टार्च के लक्षण क्या है, स्टार्च के लक्षण क्या है, इसका आंसर रहेगा ए, यानी स्वाद में ब्लेंड, ब्लेंड यानी तरल रहेगा, ब्लेंड। शीतल जल में शीघ्रता से घुलनशील नहीं, शीतल जल में भिगोने पर पानी का अवशोषण, शीतल जल के साथ अस्थायी निलंबन। नेक्स्ट है, इसे भी मैच करना है, खनिज लवण नींबू व संतरा जैसे फल, फल की चमड़ी जैसा आवरण, अल्कोहल, इसको किस में मैच करेंगे, इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए। खनिज लवण का फल के स्वाद पर प्रभाव पड़ता है, नींबू व संतरा जैसा फल अति आवश्यक तेल रखना, फल की चमड़ी जैसा आवरण तेल रखना या धारण करना, अल्कोहल एंड एसेंशियल तेल मिलाना, एसेंशियल है आवश्यक फैटी एसिड। फिर इसमें क्या आ जाएगा, नेक्स्ट है, क्या होता है जब कॉफ़ी के बीज को भूनते हैं, क्या होता है जब कॉफ़ी के बीज को भूनते हैं, इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर है आंसर नंबर ए, जटिल वसा का साधारण में बदलना, प्रोटीन का संश्लेषीकरण, कार्बोहाइड्रेट के समेलाइज, बीज के आकार में दोगुना परिवर्तन।
नेक्स्ट है कोलोस्ट्रम क्या है, कोलोस्ट्रम क्या है, इसका आंसर है आंसर नंबर डी, यानी कोलेस्ट्रम क्या है, हल्के पीले रंग का द्रव दुग्ध पिलाने वाली माताओं से प्राप्त होता है। यह प्रस्तुत किए जाने वाले 24 से 48 घंटे के बाद उत्पादित होता है। यह पूर्ण रूप से दूध नहीं है, इसमें प्रोटीन व विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट है इस तरह की आकृति को मैच करना है। ऑपरेशन डिले, ऑपरेशन व मूवमेंट क्रम में संपन्न जगह जगह पर गतिविधि, इन सबको चेंज करना है, मैच कराना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसका आंसर आंसर नंबर ए पहले का रहेगा डिले, दूसरे का रहेगा त्रिकोण का ऑपरेशन, फिर बड़े वर्ग का रहेगा ऑपरेशन व मूवमेंट का क्रम से संपन्न, और छोटे वर्ग का रहेगा जगह जगह पर गतिविधि। तो इस वीडियो में हम यहीं तक मॉक सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो, लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू।